तत्याना मीर जी, जम्मू कश्मीर जो अभी तक हमें थोड़ा शांत नजर आ रहा था, चुनावों से ठीक पहले इसराइल और लेबनान के मुद्दे पर आज सड़कों पर आया, प्रदर्शन हुए, आम लोग आज प्रदर्शन में शामिल हो गए और उन्हें समर्थन मिल गया कुछ राजनीतिक दलों का भी। प्राची, मैं कुछ जब इन्होंने हमारे दो पैनलिस्ट ने यहाँ से पीडीपी और एनसी वाले ने जब थोड़ा सा जिक्र किया ना हिस्ट्री का, मैं भी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी। मस्जिद अल अक्सा का जिक्र हुआ है, अब मैं कुछ सच्चाइयों से अपना बयान शुरू करूंगी। सच्चाई नंबर वन ये है कि मस्जिद अल अक्सा पे पूरा हक मुसलमानों का है। जो इसराइल के यहूदी हैं वो बेचारे नीचे से सिर्फ वॉल को हाथ लगा के चले जाते, अंदर भी नहीं जाते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मुस्लिम्स। पॉइंट नंबर टू ये है कि इसराइल ने पूरा 60s और 70s की वॉर्स में पूरा जो वो एरिया है उसको जीत लिया था, चाहे वो गाजा हो या वेस्ट बैंक, लेकिन फिर भी उसको खुशी खुशी, राजी खुशी 2005 में गिव अप कर दिया फलस्तीनियों के लिए। इनफैक्ट फलस्तीनियन जब पहली गवर्नमेंट बनी तो उनकी हैंड होल्डिंग भी की ताकि वो अच्छे से गवर्नेंस कर सके। और सुनिए सच्चाई, इसराइल ने जो बिजली पानी वेस्ट बैंक और गाजा में जा रहा था, क्योंकि पहले वो इसराइल की टेरिटरी थी, वहां पे बिजली पानी बंद भी नहीं की। और सुनिए, अटैक्स हमेशा हमास की तरफ से हुए हैं पहले इसराइल पे, ठीक है। तो ये सच्चाइयां जो है प्राची, मुझे एक चीज बताइए, ये मासूम कौम को आप कुछ मत बोलिए कश्मीरियों को, ये बताइए कि इनको अंधेरे में कौन रखता है, ये सच्चाइयां इन तक पहुंचने कौन क्यों नहीं कौन नहीं देता है जी? पहली बात, इनको कौन ये कहता है कि फॉरेन मीडिया और भारतीय मीडिया पर भरोसा मत करो क्योंकि वो झूठे, आपको अल्लाह की राह से भटका देंगे। ये सब इन मासूम कश्मीरियों को कौन बोलता है, कौन इनको ये नहीं देखने देता कि जिस नसरुल्लाह जी, बस एक बार आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए, उनसे एक बार इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, फिर लौट रही हूँ आपके पास। मेरे साथ जुड़ गए हैं कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, इसके साथ ही साथ विनोद बंसल जी और जीएम शाहिन जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं याना मिर जी लौट रही हूँ आपके पास। कविंद्र जी, आज आप ये कह रहे थे कि ये घड़ियाली आंसू पीडीपी की तरफ से बहाए जा रहे हैं या महबूबा मुफ्ती की तरफ से बहाए जा रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं तौसिफ शाह जी, उनकी पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं भाई हमें तो चिंता है ना, हमें चिंता है, और वो बता रहे हैं कि किस लिहाज से उन्होंने शहीद का दर्जा दिया है नसरल्लाह को, जिसे इसराइल ने खत्म किया है अपने इस अटैक में। देखिए, पूरे विश्व में आतंक फैलाने वाले लोगों को अगर शहीदों का दर्जा ही देना है तो वो पीडीपी ही दे सकती है। इनकी शहीद की डेफिनेशन क्या है ये हमें नहीं पता लगता। पाकिस्तान में कोई शहीद होता है तो ये उनको अपना वो मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, इनके आंसू क्यों सूख जाते हैं, इनकी जबान क्यों तब बंद हो जाती है? तो इंसानियत के नाते नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आज भी जो लोग पूरे विश्व में तबाही करने के लिए लगे हुए हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी इसराइल वालों को मारने की, आज उस व्यक्ति को अगर मारा जाता है तो उसके लिए खुशी मनानी चाहिए पूरे, ताकि पूरे विश्व में कहीं आतंक का ये जो खात्मा है वो होना चाहिए। इंसानियत के लिए खतरा है ये लोग, तो इस सारे माहौल में यही कहना चाहूंगा, ये घड़ियाली आंसू है नहीं है तो और क्या है? एक तरफ दूसरा बहाना जो अच्छा है, इलेक्शन के दिनों में हम प्रचार नहीं करेंगे, बाद में हारना तो तय है, तो उसके बाद कहेंगे जी हमने इसके कारण से ये सब हो गया, ये बहानेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब मुझे तो यही कहना है कि ये आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, अगर इस प्रकार के ट्वीट करते भी हैं या इस प्रकार के एक्सपर्ट डालते भी हैं तो उसके दुनिया जानती है इनकी जो क्या अहमियत है। लेकिन कविंद्र जी, आज तो आम लोग भी सड़कों पर आए थे ना, बडगाम हो, श्रीनगर हो, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिले ना हमें। आज तो विरोध जताया गया कि नसरल्लाह की हत्या क्यों की गई, क्रूरता के साथ की गई, सब साथ खड़े हुए हैं, ये तक कहा गया लोगों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो ये भी सभी पेड़ लोग हैं कि पहले भी पत्थरबाजी करवाई जाती थी, आज बंद क्यों? तो कारण तो आप भी समझते हैं कि कौन इनको पैसे देकर भी करवाता है, ये सारा एक साजिश होती है, पूरा एक नेटवर्क चलता है, तो उसी नेटवर्क का ये भी हिस्सा है, कहां कहां प्रदर्शन करने हैं, कहां कहां क्या करना है। छोटा जवाब तो आसिफ जी इस पर दे दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जा रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले अपने इस नए भाई को जवाब दे दूं। मैं पहले ये बोल दूं कि जैसे हमने देखा कि जब फलस्तीन और इसराइल का वार स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर में, तो उस समय हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ फलस्तीन, शायद मैं सही बोल रहा हूँ,
आपके रिकॉर्ड में ये है, तो अगर ये हिजबुल्ला के जो कमांडर थे ये अगर फलस्तीनियों के लिए लड़ रहे थे तो दैट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जी भी फिर इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वुड दैट मीन दैट, वुड यू लाइक टू से दैट, बिकॉज नाउ जैसे ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं ये सारे पेड प्रदर्शन हैं, तो आप उनको जेल में डाल दीजिए ना, जैसे आपका तरीका है बीजेपी का, जैसे आपने 2019 के बाद 4000 लोगों को जेल में रखा विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट एनी, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इनको जेल में डाल दीजिए ना, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ वही तो कर रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बता रहे हैं कि ये सारे पेड़ हैं, ये यहाँ पर नेशनल मीडिया पर जो बात कर रहे हैं आप कि दिस इज पेड, कोई प्रूफ दिखा सकते हैं आप दिस इज पेड? सर डू यू हैव एनी प्रूफ? लेकिन तौसिफ जी आप भी जो कर रहे हैं वो भी तो देश से तर जाकर ही कर रहे हैं ना, आपकी नेता जो कर रही है वो भी तो देश से तर जाकर कर रही है ना, देश से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। और रही बात आपके स्टैंड की दुनिया में कहीं पर भी हिंसा होगी आप लोग खड़े हो जाएंगे, मुझे नहीं याद है बांग्लादेश पर आपकी नेता का कोई बयान सामने आया था, आपने सिर्फ इतना कहा था कि वहां से सबक ले ले बेरोजगार,